हर दुख का इलाज है ये जड़ी बूटी बनाती है करोड़पति। जी हाँ मित्रों, आपका दुख दूर करने के साथ साथ करोड़पति बनाने का सामान आज लाई हूँ। करोड़पति आप बन के रहेंगे अगर इस जड़ी बूटी को इस तरीके से आप अपने घर में रखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से इस चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आज का वीडियो बहुत खास है, इसको पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, सबका भला चाहें और पुण्य लाभ आपको इससे मिलेगा। तो पुण्य की प्राप्ति आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम का है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आज जिस जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके विभिन्न नाम हैं, लेकिन कर्ण फूल के नाम से आपको ये औषधीय दुकानों पर मिल जाएगा, या कर्ण पुष्प के नाम से, जैसे जिसको संस्कृत में इसको बोला जाता है कर्ण फूल, हिंदी में बोला जाता है और गुजराती में इसको गबारो बोला जाता है, बंगला में उसको कर्ण पुष्प लता बोला जाता है और अंग्रेज़ी में इसको बैलून वाइन के नाम से जाना जाता है, या हार्ट सीड प्लांट भी इसको बोलते हैं। आप नर्सरी में जाके हार्ट सीड का प्लांट मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, बैलून वाइन के नाम से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि नर्सरी में सामान्य तौर पे अंग्रेज़ी में ही नाम उनको मालूम होते हैं और वही नाम वो लिखते हैं पौधों पर। तो बैलून वाइन या हार्ड सीड प्लांट के नाम से आपको मिल जाएगा। इसका बहुत उत्तम महत्व है, ये आपके जीवन से समस्त कष्टों को दूर करता है और आपको पैसे वाला भी बनाता है। दोहरे फायदे इस चीज़ से होते हैं। कर्ण फूल की लता घर की सीमा में होना शुभ फलदायी होती है और घर की सीमा में किसी भी दिशा में आप इसको लगा सकते हैं। इसे गमले में भी लगाना बहुत शुभ होता है। इसका औषधीय महत्व है और इसके बीजों का भी महत्व है। कर्ण फूल के प्लांट का या बेल का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। जितने भी प्रकार के वृक्ष, पौधे और लताएँ होती हैं, उन सब का प्रयोग किया जाता है हर काम में, लेकिन ये कर्ण फूल ऐसा प्लांट है जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। कर्ण फूल के फलों को गुरुवार के दिन तोड़कर शक्कर, घी, मधु, कर्पूर और कच्चे चावल से हवन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको धन ही धन मिलता है। ये इसका प्रयोग हुआ तो आपको, आज गुरुवार है, आज कर सकते हैं या अगले गुरुवार को भी आप कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, इसके फलों को गुरुवार के दिन तोड़कर शक्कर, घी, मधु, कर्पूर और कच्चे चावल के साथ मिलाकर हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नाम है कर्ण फूल, जिसको हार्ट सीड प्लांट भी बोलते हैं और बैलून वाइन भी बोलते हैं। जिस घर में कर्ण फूल की लता होती है, बेल होती है, उसके घर के सब सदस्यों में प्रेम भाव बना रहता है। घर की जो वास्तु होती है, इसमें कर्ण फूल का लता लगाया जाए तो बहुत शुभ फलदायी होता है और इसको किसी भी दिशा में आप लगा सकते हैं। इसका औषधीय महत्व भी है। चाहे कोई युवा हो या वृद्ध, जिसके घुटनों या पीठ में कोई तकलीफ होती है या दर्द होता है, उसे कर्ण फूल के बीजों का तेल लेना चाहिए और उतनी ही मात्रा में सहजन का तेल मिला देना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए तारपीन का तेल भी आप मिला सकते हैं, आपको ज़बरदस्त आराम मिलता है। अगर किसी को दाद हो गए हों तो कर्ण फूल की पत्तियों को गौमूत्र के पास 7 पीस कर प्रभावित स्थान पर लगाने से शीघ्र ही दाद जाता रहता है। एक्जिमा हो जाने पर कर्ण फूल की पत्तियों को हल्दी के साथ पीस कर लगाने से लाभ होता है और इसे लगाने के पूर्व अगर संबंधित स्थान पर आप गाय के गोबर के कंडे से घिस देते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलता है। कर्ण फूल के बहुत ज़्यादा दिव्य प्रयोग हैं, इनको किसी भी रूप में आप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। पति पत्नी के तकिए के नीचे अगर इसके बीज रख दिए जाएं तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। अगर शर्ट में इनके बीजों को रख दिया जाए तो सदैव पैसे की आवक होती है। रात्रि काल में अगर शर्ट में ही रहने दिया जाए और उसके पास सोई नहीं बल नहीं शर्ट में टांग सकते हैं तो इससे आपको पैसे की आवक सदा बनी रहती है। अगर आप शक्कर, घी, मधु, कर्पूर और कच्चे चावल के साथ हवन करके लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं
तो इसकी 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। और प्रत्येक आहुति के साथ अगर आप मंत्र जाप करते हैं लक्ष्मी जी का, तो आपको कभी भी पैसे का अभाव नहीं झेलना पड़ता। आयुर्वेद की माने तो ये उत्तम वात हरने वाली, पेशियों को बल देने वाली, फेफड़ों का शोधन करने वाली, कृमियों का नाश करने वाली और नेत्रों का कल्याण करने वाली वनस्पति है। इसके उपयोग के लिए मूल, बीज और पत्तियों का प्रयोग बहुत कारगर होता है। तो आज हमने आपको बताया कर्ण फूल यानी बैलून वाइन और हार्ट सीड प्लांट के बारे में। आपको आसानी से ये नर्सरी में मिल जाएगा और औषधीय प्लांट भी जहाँ मिलते हैं वहाँ भी आपको मिल जाएगा उस नर्सरी में। इसका संस्कृत में नाम है कर्ण पुष्प, हिंदी में कर्ण फूल बोलते हैं, गुजराती में गबारो बोलते हैं, बंगला में कर्ण पुष्प लता बोलते हैं और अंग्रेज़ी में इसका नाम है बैलून वाइन, जिसको आप हार्ट सीड प्लांट भी बोल सकते हैं। और इसको कर्ण फूल हिंदी में बोला जाता है, कर्ण फूल या कर्ण फुल भी बोला जाता है। तो आपको ये प्लांट आसानी से मिल जाएगा। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज हमने एक दुर्लभ प्लांट के बारे में आपको बताया, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। हम चमत्कारिक जड़ी बूटियों की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से जड़ी बूटी आपके लिए कारगर है। हालांकि जो अलग अलग नाम होता है, जैसे नींबू है या काली मिर्ची है, इसको भी जड़ी बूटियाँ माना जाता है क्योंकि ये औषधीय गुणों से संपन्न होती हैं। तो इनका भी हम जिक्र करेंगे अपने अलग अलग वीडियो में, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। तो आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दीजिए डॉक्टर उमाश्री को। फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, आप रोगों से मुक्त रहें, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर हाजिर होंगी नई